हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं वुडवर्ड एंड फाइजर रूल। तो ये जो क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है इस यूनिट का। बीएससी सेकंड ईयर एंड बीएससी थर्ड ईयर दोनों ईयर में इस टाइप से क्वेश्चन जो है वो काफी पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपको दो तरीके से जो है वो पूछा जा सकता है एग्जाम में। पहला तो ये कि आपको केवल वुडवर्ड एंड फाइजर रूल पूछा जा सकता है कि वुडवर्ड एंड फाइजर रूल से आप जो है वो क्या समझते हो, इसके कौन कौन से रूल है, आप इसे एग्जाम्पल देकर के समझाइए। और सेकंड चीज ये, आपको इसमें कोई भी कंपाउंड दे दिया जाएगा और इसमें मतलब न्यूमेरिकल टाइप ही है ये पूरा, ये जो रूल इन्होंने बताया हुआ है पूरा न्यूमेरिकल टाइप ही क्वेश्चन है। तो आपको इसमें कोई भी एग्जांपल दे दिया जाएगा और उसमें आपको लैम्डा मैक्स का वैल्यू जो है वो आपको निकालना होगा। तो जैसे कि आपको कोई भी कंपाउंड जैसे कि दे दिया जाएगा और आपको वुडवर्ड एंड फाइजर जो जिन्होंने रूल दिया था उस कुछ रूल को फॉलो करके आपको जो है वो लैम्डा मैक्स का वैल्यू जो है वो निकालना होता है। वैसे तो अगर हमें किसी कंपाउंड का लैम्डा मैक्स का वैल्यू निकालना है तो हम जो है वो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो है वो यूज करते थे, मतलब अभी तक इस चैप्टर में मैंने आप लोगों को जो भी बताया था। लेकिन यहाँ पे वुडवर्ड एंड फाइजर ने कुछ ऐसे ऐसे रूल प्रस्तुत किए हैं अपने जो भी उन्होंने अपने रूल बनाए हुए थे, जिसमें हम केवल इस कंपाउंड को देख करके ही कि इसमें कितने डबल बॉन्ड है, कौन कौन से ग्रुप जुड़े हुए हैं, इनकी संरचना कैसी है, इन सभी चीजों को देख करके ही हम जो है वो लैम्डा मैक्स का वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। तो लैम्डा मैक्स मेनली किस लिए यूज किया जाता है, तरंग दैर्ध्य के लिए, तरंग दैर्ध्य जिसे हम वेवलेंथ भी कहते हैं। तो वेवलेंथ के लिए जो है वो लैम्डा मैक्स जो है वो यूज किया जाता है। तो मैंने आप लोगों को यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में बताया हुआ था कि जब यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो हमें ग्राफ मिलता था किसी भी कंपाउंड का, जब हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब हम लास्ट में उसको स्पेक्ट्रम देखते थे, स्पेक्ट्रम वाला जब ग्राफ देखते थे, तो वहां पे हमें अवशोषण मतलब एब्जॉर्प्शन और तरंग दैर्ध्य मतलब वेवलेंथ के बीच हमें जो है वो एक ग्राफ मिलता था। तो वहां पे उस ग्राफ को देख करके हम जो है वो लैम्डा मैक्स का वैल्यू जो है वो निकालते थे। लेकिन यहाँ पे कोई भी अभी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं है, केवल आपको यहाँ पे वुडवर्ड एंड फाइजर रूल को फॉलो करना है और उसके रूल को फॉलो करते हुए आपको यहाँ पे कुछ वैल्यू को जो है वो कैलकुलेट करना है। वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद आपको जो है वो लैम्डा मैक्स का वैल्यू जो है वो निकालना है। तो आपका लैम्डा मैक्स का वैल्यू जो है वो यहाँ पे एनएम में जो है वो प्राप्त होगा। तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि यहाँ पे जो तरंग दैर्ध्य होता है उसे हम एनएम से जो है वो व्यक्त करते हैं, मतलब होता है नैनोमीटर। तो खैर ये तो चीज मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और भी डिटेल में देखेंगे कि वुडवर्ड एंड फाइजर नामक जो दो साइंटिस्ट थे उन्होंने कौन कौन से रूल जो है वो प्रस्तुत किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं वुडवर्ड एंड फाइजर नियम। तो यहाँ पे मैंने जो दो लाइन लिखा हुआ है, जो अभी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, वही चीज को यहाँ जो है हम लोगों ने लिखा हुआ है। तो इसे जो है वो आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपने कॉपी में जो है वो लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम किस प्रकार के कंपाउंड का जो है वो लैम्डा मैक्स का वैल्यू जो है वो निकालेंगे। तो वैसे तो ये वुडवर्ड एंड फाइजर नामक जो दो साइंटिस्ट थे उन्होंने बहुत सारे कंपाउंड का जो है वो लैम्डा मैक्स का वैल्यू जो है वो निकालने के लिए रूल प्रस्तुत किए थे, जैसे कि बहुत सारे कार्बोनिल कंपाउंड हो गए या फिर डाइन हो गए। आज के वीडियो में हम केवल डाइन के बारे में जो है वो पढ़ेंगे, मतलब डाइन कंपाउंड का हम जो है वो लैम्डा मैक्स जो है वो निकालेंगे। तो यही चीज को जो है वो बताया गया है कि तरंग दैर्ध्य की भविष्यवाणी करने के लिए कुछ नियम प्रस्तुत किए थे जिसे वुडवर्ड एंड फाइजर रूल जो है वो कहा जाता है। तो ये तो हुआ, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका रूल। तो यहाँ पे आप लोगों को कॉलम में कुछ चीजें कुछ वैल्यू जो है वो शो हो रहा है, तो इस वैल्यू को जो है वो आपको याद करना है। अगर आप इस वैल्यू को याद कर लेते हैं तो कोई भी कंपाउंड मतलब डाइन कंपाउंड का जो है वो आप लैम्डा मैक्स का वैल्यू जो है वो निकाल सकते हो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक एक करके इसे बताती हूँ, उसके बाद हम जो है वो न्यूमेरिकल में जाएंगे। तो तीन चीज को जो है वो आप लोगों को सबसे पहले देखना है। सबसे पहले यहाँ पे कहा गया है कि होमो एन्युलर डाइन के लिए बेस वैल्यू मतलब होता है उसका मान, आप कह सकते हो मूल मान जो आप कह सकते हो। तो अगर होमो एन्युलर डाइन है तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि होमो एन्युलर डाइन क्या होता है, शॉर्ट में ही बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं होमो एन्युलर डाइन क्या होता है। देखो होमो एन्युलर डाइन वो उस टाइप से कंपाउंड को हम कहते हैं जिसमें डबल बॉन्ड जो है वो एक ही साइकिल में जो है वो प्रेजेंट होता है।
जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे जो है वो डबल बॉन्ड जो है वो दो डबल बॉन्ड यहाँ पे जो है वो प्रेजेंट है, लेकिन वो जो है वो एक ही साइकिल में जो है वो प्रेजेंट है। यहाँ पे भी आप देख रहे हो दो जो बॉन्ड आप लोगों को यहाँ पे शो हो रहा है वो दोनों बॉन्ड जो है वो एक ही साइकिल में जो है वो प्रेजेंट है। यहाँ पे इस साइकिल में कोई भी बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। तो इस टाइप से अगर आपको कोई कंपाउंड दिखता है, इस प्रकार जो आपको डाइन दिखता है, तो वो आपका होमो एनुलर या सम वलयाकार डाइन जो है वो कहलाता है। उसी प्रकार आपका नेक्स्ट है हेट्रो एनुलर डाइन। तो हेट्रो एनुलर डाइन भी मैं आप लोगों को यहाँ पे साथ ही साथ बता देती हूँ। हेट्रो एनुलर डाइन में क्या होता है, यहाँ पे जो आपका बॉन्ड था वो एक ही साइकिल में प्रेजेंट था, लेकिन हेट्रो एनुलर में क्या होगा, यहाँ पे जो आपका बॉन्ड रहेगा वो अलग अलग साइकिल में जो है वो प्रेजेंट होगा। तो दोनों में यही डिफरेंस है। क्लियर हुआ आप लोगों को होमो एनुलर डाइन क्या होता है और हेट्रो एनुलर डाइन क्या होता है। खैर आगे हम जब और भी इसके एग्जांपल देखेंगे तो आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। तो अगर होमो एनुलर टाइप का अगर डाइन आपको मिलता है, अगर कोई भी कंपाउंड मिलता है, तो उसके लिए आपको बेस वैल्यू जो है वो 253 जो है वो रखना है, मतलब 253 nm जो है वो आपको उसमें जो है वो जोड़ देना है। अगर हेट्रो एनुलर टाइप का डाइन अगर आपको मिलता है तो उसमें आपको 214 nm जो है वो जोड़ देना है, मतलब ऐड कर देना है। अगर ओपन चेन है, अभी तक तो आप लोगों ने साइकिल टाइप से कंपाउंड यहाँ पे देखे, लेकिन अगर बात हो ओपन चेन की, जैसे कि इस प्रकार से अगर आपको कोई कंपाउंड दिखता है, कोई डाइन दिखता है, जैसे कि यहाँ पे ओपन चेन है, तो इस प्रकार का अगर आपको डाइन दिखता है तो उसके लिए आपको बेस वैल्यू जो है वो 217 nm जो है वो रखना है। इतना क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं कि जो हमारा डाइन होगा उसमें कोई ग्रुप तो नहीं जुड़ा है, तो देखते हैं किस प्रकार के ग्रुप कैसे कैसे जुड़े होने से आपको कितना कितना वैल्यू जो है वो उसमें ऐड करना है। तो सबसे पहला संयुग्मन का विस्तार करने वाली डबल बॉन्ड, मतलब अगर उसमें कोई ऐसा डबल बॉन्ड हो जो कि उस चेन को जो है वो आगे बढ़ाते, मतलब आगे जो है वो बढ़ा ही रहा है, तो उस टाइप से अगर डबल बॉन्ड होगा तो उसके लिए हम +30 जो है वो ऐड करेंगे। अगर वहां पे एल्किल प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है, मतलब अगर उसमें एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो उसमें हम +5 ऐड कर देंगे। या फिर उसमें कोई वलय अवशेष हो या रिंग रेसिड्यू हो तो उसके लिए हम जो है वो +5 जो है वो ऐड कर देंगे। हालांकि रिंग रेसिड्यू क्या होता है वो मैं आप लोगों को आगे एग्जाम्पल के साथ ही जो है वो समझा दूंगी। उसके बाद हम देखते हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, कोई ऐसा डबल बॉन्ड जो साइकिल के बाहर प्रेजेंट हो, अगर उस टाइप से कोई डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है किसी कंपाउंड में, तो उसके लिए भी हम +5 जो है वो ऐड करेंगे। अगर आपके जो कंपाउंड है उसमें कोई OSE ग्रुप जुड़ा हुआ हो, OR ग्रुप जुड़ा हुआ हो, SR ग्रुप जुड़ा हुआ हो, ये सारे ग्रुप के बारे में भी मैं आप लोगों को एग्जाम्पल में ही बताऊंगी, तो अगर इस टाइप से ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो हम अलग अलग वैल्यू यहाँ पे जो है वो रखते जाएंगे। तो अगर आपको कोई भी कंपाउंड मिलता है तो आपको इस कॉलम को देखना है और इस कॉलम को देख देख के आपको लैम्डा मैक्स का वैल्यू जो है वो निकालना है। तो चलिए हम सबसे पहला कंपाउंड यहाँ पे जो है वो लेते हैं, और सबसे पहला कंपाउंड यहाँ पे लेते हैं 2,3-dimethyl-1,3-butadiene। यहाँ पे आप देख रहे हो H2C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे दो, यहाँ पे देख रहे हो एल्किल ग्रुप जो है वो यहाँ पे लगा हुआ है, CH3 मेथिल ग्रुप। तो चलिए हम देखते हैं, सबसे पहले इसका बेस वैल्यू देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये कंपाउंड जो है वो किस टाइप से है, साइकिल है कि ओपन चेन है, कि होमो एनुलर डाइन है, कि हेट्रो एनुलर डाइन है, किस प्रकार का डाइन है। तो चलिए हम देखते हैं, ओपन चेन है वो, तो ओपन चेन डाइन के लिए बेस वैल्यू आपको 217 रखना है। तो जैसा कि आप देख ही सकते हो कि ये जो आपका कंपाउंड हमें प्राप्त हुआ वो जो है वो ओपन चेन वाला है, तो ओपन चेन वाला है तो उसका बेस वैल्यू हमें क्या रखना है, 217 nm यहाँ पे रखना है। तो 217 nm हम यहाँ पे जो है वो लिख देते हैं। अब आपको क्या देखना है, ये तो आपको क्लियर हो गया कि वो किस प्रकार का कंपाउंड है, ना ही वो होमो एनुलर है ना ही वो हेट्रो एनुलर है, वो तो ओपन चेन है। तो ओपन चेन के लिए हम लोगों ने 217 जो है वो यहाँ पे रख दिया। अब आगे हम देखते हैं कि उसमें कौन सा ग्रुप जो है वो जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहला तो हम देखते हैं कि कहीं उसमें डबल बॉन्ड तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऐसा हमें कोई डबल बॉन्ड तो शो नहीं हो रहा है जो कि इस चेन को जो है वो कंटिन्यू आगे बढ़ाता जाए, ऐसा तो हमको कोई डबल बॉन्ड शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड उस टाइप से शो प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट नहीं है।
और एल्किल प्रतिस्थापी मतलब मेथिल ग्रुप, यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो दो मेथिल ग्रुप यहाँ जो है वो यहाँ पे जुड़ा हुआ है CH3 CH3। तो एक मेथिल ग्रुप के लिए मतलब एक एल्किल समूह के लिए आपको कितना जोड़ना है, प्लस 5। तो आपके पास कितने यहाँ पे मेथिल ग्रुप जो है वो जुड़े हुए हैं, दो जुड़े हुए हैं, तो 2 × 5 कर दीजिए, कितना हुआ 10। 2 × 5 इक्वल जो है वो प्लस 10 यहाँ पे हो जाएगा। और देखते हैं और क्या क्या जुड़ा हुआ है इसमें। अब इसमें कोई रिंग रेजिड्यू भी नहीं है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड भी नहीं है, और इनमें से कोई भी ग्रुप यहाँ पे जो है वो नहीं जुड़ा हुआ है। मतलब केवल आपको इतने का ही जो है वो अब कैलकुलेशन जो है वो करना है। तो 217 आपका क्या था, मूल मान बेसिक वैल्यू था, और प्लस 10 आपका मेथिल ग्रुप के लिए आया, तो टोटल कर दीजिए आप कितना हुआ 227 nm, मतलब 227 nm लैम्डा मैक्स का वैल्यू आपका निकल जाता है। तो है ना बहुत ही इजी, अगर आपको ये कॉलम याद होगा तो आप किसी भी कंपाउंड का जो है वो लैम्डा मैक्स का वैल्यू जो है वो निकाल सकते हो, डाइन कंपाउंड का। बस आपको यहाँ पे इसे जो है वो ऐड करना है एक दूसरे से, बस आपको ये कंपाउंड को जो है वो थोड़ा केयरफुली इसमें जो है वो आपको देखना है। ये तो हुआ आपका ओपन चैन का एग्जाम्पल। अब मैं आप लोगों को होमो एनुलर मतलब समवलयाकार जो आपका एग्जाम्पल है उससे रिलेटेड कोई कंपाउंड जो है वो बताती हूँ। तो यहाँ पे हम जो है वो होमो एनुलर टाइप का जो है वो कंपाउंड लेते हैं। तो होमो एनुलर कंपाउंड मतलब मैं क्या बताई थी आपको, होमो एनुलर डाइन मतलब समवलयाकार जिसे कहते हैं, मतलब उसमें दो डबल बॉन्ड जो है वो एक ही रिंग में जो है वो प्रेजेंट हो। यहाँ पे आप देख रहे हो दोनों डबल बॉन्ड जो है वो एक ही साइकिल में जो है वो प्रेजेंट है, तो इसे जो है वो हम होमो एनुलर जो है वो कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं होमो एनुलर के लिए बेसिक वैल्यू आपको कितना लेना है। होमो एनुलर डाइन के लिए बेसिक वैल्यू आपको 253 लेना है, 253 nm। तो यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया है 253 nm। अब हम देखते हैं इसमें कौन कौन सा ग्रुप जो है वो जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले तो कोई ऐसा डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है जो कि विस्तार करने वाली हो। और यहाँ पे देखते हैं एल्किल प्रतिस्थापी, तो यहाँ पे आप देख रहे हो C2H5 जो है वो प्रेजेंट है, C2H5 यहाँ पे प्रेजेंट है एल्किल। तो इसके लिए हम जो है वो प्लस 5 यहाँ पे जो है वो ऐड करेंगे। तो एक एल्किल ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोगों ने प्लस 5 जो है वो ऐड कर दिया है, और ये तो आपका बेसिक वैल्यू है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, दो वलय और सेस है, मतलब टू रिंग रेजिड्यू यहाँ पे प्रेजेंट है। तो मैं आप लोगों को रिंग रेजिड्यू को मतलब जो है वो समझाती हूँ कि इसका मतलब जो है वो क्या होता है। तो रिंग रेजिड्यू को मतलब मैं आप लोगों को एकदम सिंपल से वो मैं समझा रही हूँ। सपोज आपके पास एक कैंची है, आपके पास एक सीजर है, और आपको ये जो आपको डबल बॉन्ड शो हो रहा है उसको इस साइकिल से जो है वो अलग करना है। आपको यहाँ पे कोई भी कट लगाना है, और कट लगा करके आपको ये दोनों डबल बॉन्ड को इस साइकिल से किसी भी सिचुएशन में जो है वो अलग करना है। तो आप इमेजिन कीजिए कि आप इस साइकिल में कहाँ पे कौन कौन सी जगह पे कट लगाओगे कि ये जो आपका डबल बॉन्ड है वो कम्प्लीटली जो है वो यहाँ से अलग हो जाए। तो आप क्या करोगे, ये वाले एरिया पे जो है वो एक कट लगाओगे, और ये वाले एरिया पे जो है वो एक कट लगाओगे। जब यहाँ पे आप दोनों एरिया में जो है वो कट लगाओगे, तो ये आपका जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ से जो है वो कम्प्लीटली अलग हो जाएगा। आगे मैं आप लोगों को और भी एग्जाम्पल दूंगी जिसमें आपको रिंग रेजिड्यू और अच्छे से समझ आएगा, बट यहाँ पे आप लोगों को समझना वही जरूरी है कि इन दोनों डबल बॉन्ड को अलग करने के लिए यहाँ पे हमें जितने भी कट लगाने पड़ेंगे वो आपका जो है वो रिंग रेजिड्यू जो है वो कहलाएगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे दो रिंग रेजिड्यू जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, पहला तो ये वाले एरिया पे और दूसरा जो है वो ये वाले एरिया पे। तो दो वलय अवशेष जिसे आप कहते हो, दो वलय अवशेष, तो दो वलय अवशेष यहाँ पे जो है वो प्रेजेंट है। दो डबल बॉन्ड यहाँ पे दिख रहा है, इन दोनों डबल बॉन्ड को अलग करने के लिए हमें जहां जहां पे जो है वो कट लगाना होगा वही आपका रिंग रेजिड्यू जो है वो कहलाता है। तो ये दो एरिया में जो है वो हम कट लगाएंगे तो ये पूरा हिस्सा आपका जो है वो इधर से निकल जाएगा। तो यहाँ पे दो रिंग रेजिड्यू प्रेजेंट है, तो रिंग रेजिड्यू के लिए जो है वो कितना वैल्यू जो है वो हमें ऐड करना होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो प्लस 5, तो दो रिंग रेजिड्यू यहाँ पे हम प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हम प्लस 10 जो है वो ऐड कर लेंगे। 5 × 2 कर दीजिए, 10 हो गया। तो अब क्या करोगे आप, तीनों को जो है वो आपस में जोड़ देना है। तो तीनों को आप जब आपस में जोड़ोगे तो इसका वैल्यू 268 nm जो है वो यहाँ पे आएगा, नैनोमीटर, 268 nm। तो ये आपका लैम्डा मैक्स का वैल्यू जो है वो हो जाएगा। तो इस प्रकार से होगा ये आज का। तो चलिए और भी एग्जाम्पल हम जो है वो समझते हैं।
थर्ड एग्जाम्पल में हम जो है वो हेट्रो एनुलर डाइन का जो है वो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल ली हूँ। तो हेट्रो एनुलर डाइन मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हो कि जो यहाँ पे बॉन्ड शो हो रहा है वो दोनों साइकिल में जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो इस प्रकार का जो आपका कंपाउंड होगा वो आपका हेट्रो एनुलर डाइन जो है वो कहलाता है। तो जैसा कि आपको पता है हेट्रो एनुलर डाइन के लिए हम कितना बेस वैल्यू यहाँ पे लेंगे, तो हेट्रो एनुलर डाइन के लिए हम 214 nm यहाँ पे हमें जो है वो लेना होगा। तो यहाँ पे हम वही करते हैं, बेस वैल्यू जो है वो हम 214 nm जो है वो ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि रिंग रेजिड्यू कितना, रिंग रेजिड्यू यहाँ पे जो है वो बनेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो दो बॉन्ड यहाँ पे जो है वो प्रेजेंट है। तो अब इस दोनों बॉन्ड को इस साइकिल से जो है वो आपको अलग करना है। तो यहाँ पे आपको टोटल कितने कट लगाने होंगे, तो जितने कट आप लगा सकते हो जिससे ये जो है वो अलग हो जाए वही आपका जो है वो रिंग रेजिड्यू कहलाएगा। तो चलिए आप देखते हैं कि आप यहाँ पे कहाँ कहाँ जो है वो कट लगा सकते हो। तो सबसे पहला तो ये दो जगह है, पहला जगह ये, यहाँ पे आपको जो है वो कट लगाना होगा और यहाँ पे कट लगाना होगा ताकि ये डबल बॉन्ड जो है वो इस साइकिल से जो है वो अलग हो जाए। और सेकेंड ये, इसके लिए आपको ये वाले एरिया पे और ये वाले एरिया पे जो है वो कट लगाना होगा। मतलब आप देख रहे हो इस टाइप से मैंने शो किया हुआ है। तो चार रिंग रेजिड्यू आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो मैंने आप लोगों को कॉलम में क्या बताया था, एक रिंग रेजिड्यू के लिए हम जो है वो +5 ऐड करेंगे। तो यहाँ पे चार रिंग रेजिड्यू है, 4 RR है, तो इसके लिए आप 4 से जो है वो मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 को, तो कितना आएगा, 20 nm आएगा। तो अब इतना को आप जो है वो आपस में काउंट कर लीजिए, टोटल कर लीजिए, तो आपका लैम्डा मैक्स का वैल्यू जो है वो निकल जाएगा। और वैसे तो इसमें और भी कोई ग्रुप तो इसमें जुड़ा नहीं है जिसमें हम कोई और nm जो है वो यहाँ पे ऐड कर सके। तो आपका लैम्डा मैक्स का वैल्यू जो है वो 234 nm जो है वो आएगा, और nm का मतलब होता है नैनोमीटर। तो 234 nm आपका जो है वो आंसर आ जाएगा लैम्डा मैक्स का वैल्यू। तो ये तो हुआ एग्जाम्पल नंबर थर्ड। अब एग्जाम्पल नंबर फोर्थ हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे हम इस टाइप से एग्जाम्पल लिए हुए हैं। हर टाइप के एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता रही हूँ ताकि एग्जाम में किसी भी टाइप से एग्जाम्पल आए तो एटलीस्ट आप लोगों से जो है वो बन जाए। तो इस टाइप से हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि हम कंपाउंड किस प्रकार का है। तो यहाँ पे आप लोगों को ओपन चेन शो हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हो ये आपका पूरा ओपन चेन है। तो ये आप ओपन चेन ही इसे मान लीजिए। तो ओपन चेन के लिए बेसिक वैल्यू कितना होगा, तो ओपन चेन डाइन के लिए आपका बेसिक वैल्यू जो है वो 217 nm होगा। तो यहाँ पे हम जो है वो 217 nm जो है वो लिख देंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कितने एल्किल ग्रुप जो है वो यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो CH3 एंड CH3, दो मेथिल समूह यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो एक अगर एल्किल ग्रुप जुड़ता है तो उसके लिए हम जो है वो +5 ऐड करते हैं। तो यहाँ पे तो दो है, तो इसके लिए हम जो है वो 10 nm जो है वो लिख देंगे। अब हम देखते हैं रिंग रेजिड्यू। तो रिंग रेजिड्यू यहाँ पे हम जो है वो कैसे देखेंगे, तो यहाँ पे जो है वो आप डबल बॉन्ड देख रहे हो। तो इस डबल बॉन्ड को आपको इस साइकिल से जो है वो अलग करना है। तो अब क्या करोगे, यहाँ पे आपको ऐसे दो जगह ऐसे ऐसे जगह कट लगाना होगा जिससे ये जो आपका डबल बॉन्ड है वो अलग हो जाए। तो बहुत ही सिंपल है, आपको ये वाले एरिया पे कट लगाना है और ये वाले एरिया पे जो है वो कट लगाना है ताकि ये डबल बॉन्ड जो है वो आपका निकल जाए। तो यहाँ पे कितना रिंग रेजिड्यू हुआ, दो। तो इसके लिए आप एक रिंग रेजिड्यू के लिए जो है वो 5 nm हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पे दो है, तो इसके लिए हम जो है वो 10 nm यहाँ पे जो है वो लिख। यहाँ पे हम एक चीज और नोटिस करते हैं कि यहाँ पे डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड भी यहाँ पे प्रेजेंट है। मतलब इस साइकिल से बाहर एक डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसके लिए भी हम जो है वो +5 nm यहाँ पे जो है वो ऐड करेंगे। तो इतना हुआ, इसके अलावा तो ऐसा और कोई ग्रुप जो है वो यहाँ पे नहीं जुड़ा है। सारी चीजों को हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए हैं हम यहाँ पे। तो चलिए अब सबको हम ऐड कर देते हैं। तो आपका यहाँ पे 242 nm जो है वो आएगा। तो ये आपका लैम्डा मैक्स का जो है वो वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे लैम्डा मैक्स का वैल्यू आपका आ जाएगा 242 nm। तो ये तो हुआ गाइस आज का आपका वीडियो वुडवर्ड एंड फाइजर रूल। आई होप आप लोगों को जो है वो समझ आया होगा। तो ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी जरूर फॉलो करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।